आपको बराबर कह रहे हैं, तो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई इच्छा नहीं, इनको सब एक ग्रुप करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इंडिया अलायंस की बागडोर कौन संभालेगा, कौन होगा जो इसका एक इकलौता चेहरा बनता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां दावेदारी तो पेश कर रही हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस एनडीए को टक्कर देगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। लेकिन उससे ही पहले यहाँ पर कई राजनीतिक चेहरों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस में आखिरकार ये उम्मीदवार कौन होगा जो यहाँ पर एक बड़ा चेहरा भी बनेगा और इंडिया अलायंस को संभालता हुआ भी नज़र आएगा, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी देखा जा रहा था जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर जिक्र किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस को अब वो संभालते हुए नज़र आएंगे, वो मुखिया होंगे एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने कुछ और ही बोला और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दी। क्या कुछ कहा देखे जरा। अरे हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, ये सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। देश की आजादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं, 1970 में देश को आजादी मिली है, असली आजादी देश को 1977 में मिली है जेपी आंदोलन के बाद। 1947 तो नहीं मालूम है उन लोगों की, किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ है मालूम नहीं है, आज इसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल, इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का, उसका कोई वैल्यू है। जैसे कि आपने नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है और इनकार किया है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इंडिया अलायंस का मुखिया मुझे बनाया जाए, मैं नहीं चाहता कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, मैं तो जनता की सेवा करने आया हूँ और मेरा काम है लोगों को सही राह पर चलाना, लोगों का मार्गदर्शन करना, जनता की सेवा करना। तमाम तरीके से नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ दिया है कि इंडिया अलायंस के मुखिया यहाँ पर कोई और हो सकता है, राहुल गांधी बना लीजिए, तेजस्वी यादव को बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बन सकता, ये साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा। और इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए, जैसा कि आपने सुना। लेकिन अब वाकई आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस के मुखिया कौन हो सकता है, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।